नमस्कार मित्रों, जीके राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर मैथ की क्लास लेकर आ गया हूँ, उपस्थित हो गया हूँ आपके सामने और क्वेश्चन सिलेबस आपके सामने है। कल हम लोग पिछले दिन इसी क्वेश्चन पे रुके थे, यही से हमारा सीरीज आगे चलेगा। बेटा अगर जिसको कल नहीं समझ में आया था, आज मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ बच्चा, कि इसको कैसे किया जाता है, मिश्र धन वाले क्वेश्चनों को कैसे लगाया जाता है। तो थोड़ा सा इसका हम आपको चीजें समझाते हैं पहले कि क्या होता है मिश्र धन, कैसे निकलता है मिश्र धन पर ब्याज। पहले मिश्र धन की समझ आपके दृष्टिकोण में जरूरी है दोस्तों। जैसे हमारे पास एक मूलधन है, मूलधन हमारे पास मान लीजिए है 1000 रुपए। 1000 रुपए हमारे पास पूरा रुपया है, हमारे पास पूरा पैसा है, ध्यान रखना मित्रों 1000 रुपए है। अगर हम इस पर दर, जो दर होता है 10%, वह हम लगा दे 10%। 10% का मतलब होता है मेरे भाई 1/10। वैसे तो ये 10/100 होगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10। अब ये 10% का मतलब हुआ मेरे भाई 1000 का 10% 1 साल का ब्याज लेंगे, यानी कि अगर हम वार्षिक ब्याज लें इसको, इस पर वार्षिक ब्याज लें तो 1000 का 10%, यानी 1000 का 1/10 निकालें भाई, तो ये 100 रुपए वार्षिक ब्याज हो जाएगा। 100 रुपए वार्षिक ब्याज हम लेंगे किसी व्यक्ति से अगर हम इसे साधारण ब्याज पर देते हैं। अब अगर इस 1000 रुपए को हम एक वर्ष का मिश्र धन में निकालते हैं, एक वर्ष का मिश्र धन, तो बेटा देखो मिश्र धन होता है, मैं बार बार शुरू समझा रहा हूं कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। कभी भी मिश्र धन निकालना है तो आपको क्या करना है, मूलधन धन ब्याज, यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए तो मिश्र धन मिल जाएगा। अब ध्यान समझना, एक वर्ष का हमें मिश्र धन निकालना है, मूलधन हमारा 1000 रुपए है, एक वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा पहले साल का 1100 रुपए। मतलब पहले साल मिश्र धन 1000 रुपए हमारा मूल और 100 रुपए हमारा ब्याज, तो 100 और 1000 और 100 मिलकर हो गया 1100 रुपए। अगर हमसे कोई पूछे कि सर जी 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, 2 वर्ष का मिश्र धन अगर कोई पूछे, तो बेटा सिंपल सा है, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपए है, 1 वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपए है, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 200 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपए है, तो 2 वर्ष का ब्याज बेटा हो जाएगा 200 रुपए। और 1000 हमारा मूलधन है, 200 रुपए ब्याज, 2 वर्ष का, देखो 1 वर्ष का 100 रुपए ब्याज है, तो 2 वर्ष का 200 रुपए ब्याज, और 200 रुपए निकालेंगे तो मूलधन धन ब्याज मिलकर दूसरे वर्ष का मिश्र धन होगा 1200 रुपए। अब अगर हमसे कोई कहे कि सर जी 3 वर्ष का मिश्र धन बताइए, 3 वर्ष का मिश्र धन बताइए कितना होगा, तो बेटा अगर इसी दर पर इसी धन को दिया जाए तो 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, मूलधन हमारा कितना है 1000 रुपए, ब्याज 1 साल का 100 रुपए है, तो 2 साल का 200 रुपए, 3 साल का 300 रुपए, और मूलधन धन ब्याज मिलकर होता है मिश्र धन, यानी 3 वर्ष का मिश्र धन होगा 1300 रुपए। अगर कोई हमसे कहे कि 4 वर्ष का मिश्र धन बताइए, 4 वर्ष का मिश्र धन बताइए, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, ध्यान समझिएगा, 1 साल का ब्याज 100 रुपए, 2 साल का ब्याज 200 रुपए, 3 साल का ब्याज 300 रुपए, तो 4 साल का ब्याज 400 रुपए और 1000 मूल, यानी कि मिश्र धन बन जाएगा हमारा 1400 रुपए। अब ध्यान समझना, यहाँ पर 1 वर्ष का मिश्र धन है 1100 रुपए और यहाँ पर 4 वर्ष का मिश्र धन है 1400 रुपए। यानी कहने का मतलब, अगर इसमें सवाल बनेगा तो इस तरह बनेगा, कोई धन 1 वर्ष का मिश्र धन 1100 रुपए और उस धन पर 4 वर्ष का मिश्र धन 1400 रुपए है, तो यहाँ पर देखो 4 और 1 का अंतर होता है 3, 4 और 1 का अंतर होता है 3, तो हम कहेंगे 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे बेटा, और 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1400 माइनस 1100 बराबर 300 रुपए, क्योंकि हर साल केवल ब्याज बढ़ता है, हर साल 1100 से 1200, 1200 से 1300, 1300 से 1400, हर साल केवल ब्याज बढ़ता है। मूलधन तो आपने एक बार 1000 रुपए दे दिया था बेटा, वही लगातार बना हुआ है,
वही लगातार बना हुआ है, बस हर साल ब्याज के रूप में 100 रुपया वृद्धि होती जा रही है। तो जब भी कभी किसी भी साल का मिश्रधन दिया रहे तो समझ लेना कि 2 सालों का अगर मिश्रधन दिया है तो इसका मतलब उन दोनों सालों का जो अंतर होगा वह उन दोनों सालों के बीच का ब्याज होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, बेटा क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं इसलिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप बहुत आराम से कंसेप्ट पर क्वेश्चन हल कर सकते हो। देखो बेटा समझो, इसको कह रहा है कि 2.5 वर्ष में 1012 रुपए और 4 वर्ष में 1067 रुपए। यहाँ पर 4 वर्ष है और यहाँ पर 2.5 वर्ष है, तो हमने कहा कि अगर कोई धन इस तरह से बढ़ रहा हो तो ये जो 1067 रुपए 20 पैसे दिया है और 1012 रुपए दिया है, ये दोनों मिश्र धन है। ये 4 वर्ष का मिश्र धन है, ये 4 वर्ष का मिश्र धन है और ये 2.5 वर्ष का मिश्र धन है। ये दोनों मिश्र धन है बेटा, ब्याज नहीं है, ये दोनों मिश्र धन है। और मिश्र धन हम बताए थे कि मिश्र धन होता है मूलधन धन ब्याज, और ये भी बताया, ये भी आपको कंसेप्ट दिए कि हर साल हमेशा ब्याज ही बढ़ता है। यानी कि 4 साल में से, ध्यान समझिएगा, अगर हम 4 वर्ष में से 2 सही 1/2 वर्ष घटा दें, यानी कि हमारे पास 4 में से 5/2 घटा दें, यानी कि 3/2 यहाँ पे 4 × 8 आठ में से 4 × 8 आठ में से 5 गया, तो 3/2 वर्ष का ब्याज बनेगा, 3/2 वर्ष का ब्याज बनेगा इन दोनों मिश्र धनों का अंतर। इन दोनों मिश्र धनों का अंतर मतलब मेरे भाई कि 1067 रुपए 20 पैसे का अंतर कर देना है 1012 रुपए में, यानी कि 3/2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, निकालेंगे तो ये आ जाएगा 55 रुपए 20 पैसे। ये 3/2 वर्ष का ब्याज है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज, सिंपल करना है 55 रुपए 20 पैसे में 2 का गुणा करके 3 से भाग दे दीजिए। जो 3/2 था बराबर की उस तरफ गया तो ऊपर 2 चला गया, नीचे 3 चला गया, 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 × 3 25 बचा, 3 × 8 = 24, 12 बचा, 3 × 4 = 12, यानी कि आ गया 18 रुपए 40 पैसे, और 18 रुपए 40 पैसे का जब 2 में गुणा हुआ तो ये आ गया 36 रुपए 80 पैसे। ध्यान दीजिए, 1 वर्ष का ब्याज 36 रुपए 80 पैसे, तो 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 36 रुपए 80 पैसे में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0, 8 × 32 हासिल लगा 3, 4 × 6 = 24, 3 × 27 = 7 हासिल लगा 2, 4 × 3 = 12, 147 रुपए 20 पैसे आएगा। दशमलव में है इसलिए गुणा भाग आपको थोड़ा सा करना है। 4 वर्ष का ब्याज 147 रुपए 20 पैसे, 4 वर्ष का मिश्र धन, 4 वर्ष का मिश्र धन, आप देखिए आपके क्वेश्चन में 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है 1067 रुपए 20 पैसे। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि मूलधन कितना होगा तो आपको सिंपल करना है कि मूलधन बराबर मिश्र धन में से ब्याज को घटा दीजिए, मिश्र धन में से ब्याज को घटा दीजिए। जब मिश्र धन निकालते थे तो क्या करते थे, मूलधन में ब्याज को जोड़ देते थे, लेकिन अगर मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे। मिश्र धन कितना है हमारा 1067 रुपए 20 पैसे में से घटा देना है बेटा 147 रुपए 20 पैसे। इस तरह से जब इसका अंतर निकालेंगे तो यह अंतर आएगा हमारा 920 रुपए। ये हमारा मूलधन हो गया, मूलधन कितना हो गया 920 रुपए। हमने चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, ब्याज का दर निकालना था, तो दर बराबर हो जाएगा बेटा ब्याज गुणे 100 / मूलधन / समय,
गुणे समय। अब सिंपल यहाँ पर हमारे पास ब्याज है, चार वर्षों का ब्याज निकालना है कि एक वर्ष का, तो अगर एक वर्ष का निकालते हो तो 36.80 रुपए। यहाँ पे देखिए हमने एक साल का ब्याज निकाला है 36.80 रुपए, तो एक साल का ब्याज हो गया 36.80 रुपए गुणे क्या कर देना है 100 बटे मूलधन, तो हमारा वही रहेगा चाहे एक साल के लिए चाहे चार साल के लिए लीजिए, और गुणे एक साल का अगर ब्याज ले रहे हैं तो एक साल समय लेंगे। अगर यहाँ 147.20 रुपए लिखते हो तो चार साल का ब्याज है, तो यहाँ समय भी चार साल लगा देना बेटा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब ये हो गया 3680/920 और यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ 9 चौक 36 यानी ये कैंसिल हुआ और ब्याज की रेट आ गया 4%, यानी कि इस सवाल का सबसे बेहतर आंसर होगा विकल्प नंबर सी जो कि है 4%। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, दो मिश्रणों के प्रश्न वास्तव में बड़े होते हैं, इसलिए आपको इन पर थोड़ा सा सहजता रखनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्क्रीन पर आपके आगे है दोस्तों, एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कौन सी धनराशि, अब की बार आपसे कौन सी धनराशि यानी मूलधन पूछ रहा है, अब की बार आपसे दर नहीं बल्कि मूलधन पूछ रहा है। साधारण ब्याज की दर ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएंगे। बेटा ध्यान देना, यहाँ भी वर्ष में दिया है समय और यहाँ भी वर्ष में दिया है समय। ये 520 रुपए हमारा 5 साल का मिश्र धन है और ये 568 रुपए हमारा 7 साल का मिश्र धन है। बेटा हमने आपको बताया कि दोनों सालों का अंतर कर लो, यानी 7 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर करोगे तो इसको समझिएगा 7-5 और 7 में से 5 गया तो बचा हमारे पास 2। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, दोनों मिश्र धनों का अंतर कर दीजिए। पहला मिश्र धन कितना है 520 और दूसरा कितना है 568, तो 568 में से 520 को घटा दीजिए, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा कि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 वर्ष का ब्याज अगर इन दोनों का अंतर निकालें तो बचेगा 48 रुपए और 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 24 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज जब 48 रुपए तो 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दिए तो 1 वर्ष का ब्याज बन जाएगा कितना 24 रुपए। चूंकि यहाँ पे जो मिश्र धन दिया था ये कितने वर्षों का दिया था, 5 वर्षों का दिया था, तो हम 5 वर्षों का ब्याज निकाल लेते हैं और 5 वर्षों का ब्याज हो जाएगा बेटा 5 वर्षों का ब्याज 24 × 5 और जो 24 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 120 रुपए। 24 में जब 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 120 रुपए। हमको निकालना था मूलधन, मूलधन कितना है, तो हमने आपको समझाया कि आप क्या किया करिए, मिश्र धन में से ब्याज को घटा दीजिए तो जो बचेगा वो हमारा मूलधन होगा। तो मिश्र धन कितना है, 5 वर्षों का मिश्र धन 520 रुपए और 5 वर्षों का ब्याज कितना है 120 रुपए, तो 520 में से 120 घटा दीजिए, सिंपल मूलधन हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा बेटा मूलधन आ जाएगा 400 रुपया, बिल्कुल सरल 400 रुपया, यानी विकल्प ए हमारा एकदम सही विकल्प है। जिन्होंने भी ए टिक किया बेटा एकदम सही विकल्प आपने टिक किया है, बहुत सही आपने आंसर दिया। एकदम सही विकल्प आपका है, आपने अगर ए विकल्प दिया है सभी लोगों ने तो बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए मिश्र धन का ही प्रश्न है, थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न, ध्यान दें। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550 रुपए, 3 वर्षों में 575 रुपए, तो 4 वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्षों में 550 रुपए, 3 वर्षों में 575 रुपए, ध्यान देना, 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष बराबर
एक वर्ष का ब्याज आएगा, एक वर्ष का ब्याज आएगा कितना आ जाएगा बेटा, एक वर्ष का ब्याज दोनों का डिफरेंस कर लो, 575 माइनस 550 बराबर हो जाएगा 25 रुपए। एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 25 रुपए। अब चार वर्ष का ब्याज या दो वर्ष का ब्याज निकाल लें, तो दो वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, 25 रुपए एक साल में, तो दो साल में 25 दूना 50 रुपए, एक साल में 25 रुपए तो दो साल में 50 रुपए ब्याज, हर साल मतलब 25 रुपए बढ़ जाएगा। यहां से सीधा आप आंसर दे सकते हो कि भाई 550 हुआ था, 575 हुआ था, अगले साल अगर चौथे साल अगर पूछा है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से 25 बढ़ जाएगा और सीधा आंसर आ जाएगा 600। यहाँ पे सीधा आंसर भी बोल सकते हैं इस तरह से, जब आप 25 रुपए निकाल लिए कि हर साल 25 रुपए बढ़ रहा है, दूसरे साल में 550, तीसरे साल में 575, तो चौथे साल में 600, पांचवें साल में पूछे 625, छठवें साल में अगर पूछा आपसे तो 650, 25 रुपए हर साल बढ़ाना है। या फिर डिटेल कर लो कि एक वर्ष में 25 रुपए बढ़ रहा है तो दो वर्ष में 50 रुपए बढ़ रहा है, तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा, ध्यान दो बेटा, पूरा 550 दो वर्षों में है, 550 दो वर्षों में है, 550 दो वर्षों में है मिश्र धन, और 50 रुपए दो वर्षों का ब्याज है, यानी मूलधन हमारा है 500 रुपए। तो चार वर्ष में धन होगा, चार वर्ष में धन, धन का मतलब मिश्र धन, यानी मूलधन और धन ब्याज, मूलधन और धन ब्याज। तो बेटा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 500 रुपए है, और ब्याज, ब्याज कितने वर्षों का निकालना है, चार वर्षों का, एक वर्ष में 25 रुपए, तो चार वर्ष में 25 चौका 100 रुपए, यानी यहां से भी आपका आंसर यही आएगा कि भैया चौथे साल जो पूरा धन मिलेगा वह हमारा 600 रुपए मिलेगा, यानी विकल्प नंबर सी हमारा एकदम सही है। दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहे हैं, बहुत जरूरी है साधारण ब्याज, आते हैं इसके क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नौवां है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1210 रुपए हो जाता है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल में 1210 रुपए हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा, यह आपको बताना है कि कितना समय लगे कि वही धन 1350 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा मित्र कि मूलधन, मूलधन बराबर, अगर हम इसको पहले बेसिक कर देते हैं, बेसिक आपको समझा देते हैं ताकि आपको ट्रिक पर बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, पहले हम एकदम बेसिक लेते हैं, बेसिक में क्या क्या मैटर दिया है समझो इसको। कह रहा कोई धन, कोई धन माने कितना धन, कोई धन माने हमें वो धन ही नहीं पता है, यानी हमें मूलधन नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है, यानी पी को मान लिया हमने यक्स, पी को मान लिया हमने यक्स। अब यहां पर कह रहा है 7% की दर से, रेट दिया है 7%, रेट टाइम ऑफ रेट दिया है कितना 7%। फिर कह रहा है आगे देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 3 वर्षों में टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम दिया है 3 वर्ष, और कह रहा है कि 1210 रुपए हो जाता है, तो ये 1210 है ना बेटा, ये मिश्र धन है, मिश्र धन कितना है 1210 रुपए, बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं बेटा। अब हम जानते हैं कि ए बराबर पी प्लस एस आई होता है, एकदम सिंपल, मिश्र धन बराबर, ए का मतलब मिश्र धन बराबर, पी माने मूलधन, धन ब्याज, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बोले हैं यहां पर, ए का मान है 1210, पी का मान हमने यक्स माना है और एस आई हमको पता नहीं, तो इस तरह से एस आई का मान आ जाएगा बेटा 1210 माइनस यक्स, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का हमने फार्मूला दिया है कि एस आई बराबर पी आर टी अपान 100, याद होगा आपको बेसिक शुरू से ये फार्मूला हम लेके चले आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर
PRT upon 100 या साई है हमारा 1210 माइनस यक्स, पी हमने यक्स माना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था 7% और टाइम था हमारा 3 वर्ष और पूरे बटे हम क्या कर दें 100। इस तरह से बेटा इसका तिरेक पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1210 में जब 100 का इसमें पूरे में देखो बेटा 100 का मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे में 100 का मल्टीप्लाई करना है और बराबर हो जाएगा 7×21 यक्स। सिंपल अब आपको इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, यहां पर अब आपका इसमें गुणा हो गया तो 1210 में 2 जीरो बढ़ गए यानी 121,000 माइनस 100 यक्स बराबर 21 यक्स, यक्स यक्स एक तरफ बाकी पद एक तरफ यानी 121,000 बराबर 100 यक्स प्लस 21 यक्स, तो इस तरह से यह बन जाएगा 121 यक्स बराबर 121,000। अगर हम इसको 121 से 121 पूरी तरह काट दें तो यक्स का मान आ जाएगा 1,000, यानी कि हमारा जो मूलधन था वह मूलधन कितना था, मूलधन था 1,000 रुपए, मूलधन था 1,000 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में यह मूलधन मिश्र धन के रूप में 1,350 रुपए हो जाएगा। देखिए यहां पर जो दिया है ये हमारा दिया है कि कितने समय में 1,350 रुपए हो जाएगा, यानी नया मिश्र धन जो दिया है वो कितना दिया है बेटा 1,350 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 7% ही लगाना है। अब यहां से हम साधारण ब्याज निकाल लें तो साधारण ब्याज यानी जिसे हम कहते हैं एसआई, उसका मान हो जाएगा कितना 1,350 माइनस 1,000 और इस तरह से वैल्यू बेटा आ जाएगा 350। अब हमको निकालना है टाइम, हम फार्मूला जानते हैं कि एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। अब बेटा यहां पर पीआरटी अपॉन 100 करना से 100 में एसआई का गुणा कर दें और पीआर को नीचे ला दें यानी टी बराबर सीधा लिख सकते हैं कि एसआई गुणे 100 बटे पीआर और यहां पर एसआई का मान हमने बताया 350 गुणे 100 और प्रिंसिपल हमारा फिक्स हो गया, मूलधन कितना है 1,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% 0003 कर गए, 7 से 35 कर गया यानी 5 वर्ष में ऐसा होगा। ये हमने एकदम बेसिक किया दोस्तों, एकदम बेसिक, कोई ट्रिक नहीं लगाया, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए पूरा बेसिक यूज किए हैं, सवाल बहुत बड़ा हुआ है। एक बार पूरा क्वेश्चन समझा देते हैं दोस्तों, हमसे कहा गया कोई धन तो हमें मूलधन ही नहीं पता था, 7% वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्षों में 1,210 रुपए हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1,350 रुपए उसी दर पर हो जाएगा। तो देखो बेटा हमने P लिया यक्स, R लिया 7%, T लिया 3 वर्ष, A लिया 1,210। अब यहां पे P बराबर A बराबर P प्लस SI, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, A हमारा है 1,210, P हमने मान लिया है मूलधन मान लिया है यक्स, SI पता नहीं, तो SI बराबर हो जाएगा 1,210 माइनस यक्स। बेसिक सूत्र होता है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, एसआई हमने 1,210 माइनस एक्स मान लिया, पी हमने एक्स माना था, आर 7 दिया था, टी 3 दिया था, बटे 100 कर दिए, 100 का तिरियक गुणा हो गया तो ये हो गया 1,210 माइनस एक्स में 100 का गुणा और यहां 7×21 यक्स हो गया। इस तरह से 100 का जब 1,210 में गुणा हुआ तो 121,000 आया और इसी तरह 100 का गुणा जब एक्स में हुआ तो 100 यक्स आया और ये 21 अपनी जगह है। अब यहां पर 100 यक्स को जब पक्षांतर किए तो उस तरफ गया तो जुड़ गया 100 में और 121 यक्स हो गया और इधर 121,000, 121 यक्स बराबर 121,000, 121 यक्स बराबर 121,000 इस तरह भी लिख सकते हैं, 121 से 121 कट गया यानी यक्स यानी मूलधन जो था वो हमारा 1,000 रुपए आ गया। अब हमसे पूछा कि वो जो 1,000 रुपए है वह कितने वर्षों में 1,350 रुपए बन जाएगा जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह 7% ही रहे, तो सीधा हमने निकाला साधारण ब्याज बराबर एसआई
1350 माइनस 1000 यानी 350 रुपए ब्याज होगा, क्योंकि 1000 तो मूलधन था। अब इस पर SI बराबर PRT अपॉन 100, यहां से P बराबर देखो बेटा SI पूरे 100 और नीचे आ जाएगा PR, SI का मान कितना है 350 और 100 गुणा में जो सूत्र में है, और P का मान मूलधन कितना आया है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू में ही सवाल में दिया था 7% बराबर, अगर हल किए तो 5 और हमारा आंसर आ गया। अब अगर इसको हम ट्रिक पर देखें तो ध्यान दे बेटा, ट्रिक पर इसको समझे, बहुत आसान कर दूंगा ट्रिक पर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि सर सवाल बहुत बड़ा हो रहा है, आपको हमने बेसिक में बड़ा सवाल दिया है, बेसिक में बड़ा कराया है, बार बार मैं कहता हूं बेसिक से सवाल लगाएंगे तो बड़ा भी होगा और समय भी खपेगा, समय भी हमारा जाएगा बेटा। तो अब ध्यान दो बेटा, अगर हम इस सवाल को ट्रिक बेस हल करें यानी कि सीधा ट्रिक पर लगाएं, तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी आप मूलधन निकालिए, आपका जो सूत्र होगा मूलधन का फार्मूला जो लगाओगे बेटा, इसको इरेज कर देते हैं, मूलधन बराबर होता है इस तरह से, मूलधन बराबर मिश्र धन घुड़े 100 बटे 100 आरटी मतलब आर और टी का मतलब हुआ बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम। जब भी मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन दिया हो तो 100 बटे 100 धन आरटी। कभी भी किसी भी चीज का मिश्र धन, जैसे अगर हमसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, हमसे कहा जाए कि 4 वर्षों में, इसको पहले समझ लेते हैं फिर इस पर हम अभी ये तरीका समझा रहे हैं उसके बाद हम उस पर ट्रिक भी देंगे। जैसे 4 वर्षों में 10% वार्षिक दर से कोई धन 1400 रुपए हो जाता है, 1400 रुपए हो जाता है तो मूलधन बताएं। इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए, 4 वर्षों में 10% वार्षिक दर से कोई धन 1400 रुपए हो जाता है तो मूलधन बताएं, अगर ऐसा प्रश्न आता है बेटा तो सीधा आप इस सूत्र को लगाया करो कि मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, सीधा लिखा करो मिश्र धन, यानी मिश्र धन हमारा 1400 रुपए हो जाता है, गुणे लिख दिया करो 100 और बटे में देखो यहां नीचे 100 प्लस आरटी लिखा है, आरटी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई, मतलब 4 गुणे 10, तो इस तरह से हो जाएगा 1400 गुणे 100 बटे 140। देखो बेटा ये 4 और 10 का मल्टीप्लाई होकर 140 हो गया, अब यहाँ 140 से ये पूरा कट गया, 10 बार गया और 10 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 रुपए, चाहे आप उत्तर की जांच कर लेना, 1000 रुपए पर जब 4 वर्षों का 10% के हिसाब से ब्याज निकालोगे तो 400 आएगा, और जब ब्याज और मूलधन को जोड़ दोगे तभी तो आपका ये मिश्र धन 1400 बन जाएगा। ये बात थी हमारे इस ऊपर वाले ट्रिक की, लेकिन अभी ऊपर वाला ट्रिक नहीं लगाएंगे, इससे भी सस्ता करेंगे इसको, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बहुत सरल करके दूंगा सवाल, आसान कर दूंगा, एकदम आसान मतलब कि बस झट से उत्तर आ जाए इस लेवल पर आपको पहुंचा देना है, यहाँ इस स्तर पे पहुंचाया जाएगा कि बस आप तुरंत लगाइए और सवाल का आंसर पाइए, तुरंत आप सवाल हल करिए और आप आंसर ले लीजिए। इसको समझाने के लिए ये सूत्र बताया था कि बेटा ये इस तरह से एक फार्मूला होता है जिसका यूज डायरेक्ट मिश्र धन से मूलधन निकालने के लिए आप कभी भी किसी भी सवाल में कर सकते हो। अब समझो बेटा, यहां पर ध्यान देना, हमारे पास मूलधन हमारा एक ही होगा। अब चाहे वो मूलधन कई बार बोले, लेकिन 1000 का हमने दिया है तो चाहे 2 साल के लिए दिया हो, चाहे 4 साल के लिए दिया हो, चाहे 10 साल के, मूलधन तो हमारा एक ही होगा, यानी हमारे बदलेंगे क्या, मिश्र धन, तो मिश्र धन को हमने A1 मान लिया एक तरफ, मिश्र धन को हमने एक तरफ A1 मान लिया और एक तरफ हमने ले लिया A2, बराबर के पक्ष को लगा के, क्योंकि मूलधन तो बराबर ही होते हैं हमेशा, चाहे 1 साल का निकालो चाहे 10 साल का निकालो।
अच्छा 100 यहां भी गुणा में रहेगा, 100 यहां भी गुणा में है, तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100 प्लस आर वन टी वन और यहां हो जाएगा 100 प्लस आर टू टी टू। बिल्कुल सिंपल ट्रिक बना दिया बेटा, बिल्कुल आसान। दो मिश्र धन पते हो, दो दर पता हो, दो टाइम पते करने हो, तो चाहे टाइम पता करना हो चाहे दर पता करना हो, बड़े आराम से इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं आप लोग। अब जैसे हमसे कहा देखो यहाँ पे हम समझा देते हैं चीजें क्या है, ये आर वन भी है और ये आर टू भी है क्योंकि दोनों दर दोनों में दर 7% लगेगा। ये हमारा टी वन है और हमको टी टू निकालना है, हमको टी टू निकालना है। ये हमारा ए वन है और ये हमारा जो 1350 है ये हमारा ए टू है। बस अब आपके सूत्र में चीजों को पुट ऑन करिए दोस्तों, बहुत सरल है। क्या करना है, यहाँ पर रखना है 1210, यहाँ पे रखना है 1210 और नीचे हो जाएगा 100 प्लस 7 + 21 बराबर यहां लिखना है 1350 बटे 100 प्लस 7t। 7t क्यों, क्योंकि दूसरा वाला अभी हमको पता नहीं है। अब सिंपल यहां सॉल्व कर लो दोस्तों, टी की वैल्यू आपकी फटाक से आ जाएगी, उतना बड़ा बेसिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। देखो दोस्तों क्या करना है, सिंपल यहां सॉल्व कर ले अगर हम, ये तो आपका 121 फिर 10 बार चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई जब 100 प्लस, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 70 की बराबर 1350। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, 70t बराबर 350। भाई ये 1000 उधर जाएगा तो माइनस 1000 हो जाएगा और 1350 में जब 1000 घट जाएगा तो 350, 70 से 350 काट दीजिए, टी का मान सीधा 5 वर्ष पा जाइए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे सही आंसर बी होगा इस क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन को तीन तरह से समझाया आपको, एक तो सीधा बेसिक लिया, दूसरा तरीका था हमारा कि बेसिक में भी ट्रिक चीजों को मिश्र धन निकाल कर, और तीसरा तरीका सटीक आप एक सूत्र का प्रयोग करिए जब दो मिश्र धन दिए हो दो अलग अलग वर्षों के लिए। अब बढ़ते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, उसके बाद आज की क्लास हम लोगों की ओवर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में, ये 6 वर्ष जो है ये T1 है, 6 वर्षों में 1950 हो जाता है, ये A1 है, तो 8 वर्षों में, देखो ये बेटा T2 है, 8 वर्षों में T2 है, उसी दर से कितना धन होगा, यानी हमको A2 निकालना है। हमने आपको ट्रिक क्या बताया, A1 बटा 100 प्लस R1 T1 बराबर A2 बटा 100 प्लस R2 T2। बिल्कुल सिंपल, A1 की जगह लिख दो 1950 और बटे, देखो यहां पर R1 जो है यही R1 है और यही R2 है क्योंकि उसी दर पर बोला है, तो दर पहला भी 5%, दर दूसरा भी 5% लेना बेटा, तो ये हो जाएगा देखो 6 पंचे 30 और 30 को 100 में जोड़ोगे तो यहां आएगा 130। A2 हमको निकालना है बेटा, A2 हमें दूसरा वाला मिश्र धन निकालना है। और अब देखो यहां 8 पंचे 40 और 40 जब 100 में जो 8 पंचे 40 जब 100 में जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 140। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, 0 से 0 हमने काट दिया, 13 से 100 काटा तो 13 का 13 पंचे 65। अब सीधा 15 का 140 में गुणा कर दो, A2 का मान आ जाएगा 15 × 140। 15 का गुणा 140 में कर देना है दोस्तों, यहाँ 0 हो गया, 15 × 60 6 यहाँ से लगा, 15 × 60 0 आ गया है सॉरी, और यहाँ पे 15 × 15 = 21 यानी यहाँ पे जो दाम आया वह आ गया 2100 रुपए, यानी सबसे सही विकल्प हमारा सी हो गया। देखो दोस्तों अगर सवाल को बेसिक लगाओगे तो इतने में कंप्रेस नहीं होगा, ये हमने कंप्रेस किया है पीछे चीजों को सिखाते हुए। तो मित्रों बने रहिए इसी तरह हम लोगों के साथ, हम आपको बहुत सरल करके सवाल सिखा देंगे, बहुत आसान सिखा देंगे, बेसिक भी सिखाएंगे
ट्रिक भी देंगे। हाँ, कुछ सवाल कंसेप्चुअल होते हैं जिसमें आपको पढ़ाई कायदे से करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए। आज के लिए अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।